बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज भी मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, क्योंकि जम्मू के सिदरा के अंदर हमें काफी मुद्दत के बाद जम्मू की सरजमीन पर मिलिटेंट्स के दरमियान, यानी फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर, और 4 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। लेकिन उससे पहले दाखिला वजीर अमित शाह की सदारत में आज दिल्ली के अंदर एक मीटिंग होने जा रही है, और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से इस मीटिंग पर गुप्त शनीद होगी, और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, आने वाले जो इवेंट्स हैं उसको लेकर यहां पर आज बातचीत की जाएगी। और इस मीटिंग में वजारत दाखिला की इस मीटिंग में जहां दाखिला वजीर अमित शाह खुद सरबराही करेंगे, वहीं पर जराए के हवाले से अजीत दोवल, जो कि कौमी सलामती के मुशीर है, DG BSF, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, और उसके साथ साथ DG पुलिस दिलबाग सिंह भी इस मीटिंग के अंदर शिरकत करेंगे। और इस हवाले से जो गुप्त शनीद है, क्या माना जा रहा था कि 4 बजे ये मीटिंग होने जा रही थी, और ठीक 4 बजे स्पेशल रिपोर्ट भी है, और इस हवाले से क्या कुछ डिटेल्स हैं और इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ एजेंडा होगा, वो अब जो है हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौहर से, जो दिल्ली से हमें अपडेट करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर काफी अहम गुप्त शनीद होगी, और जब BSF को इस मीटिंग के अंदर बुलाया जाएगा तो उसका मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन को लेकर भी बातचीत की जाएगी। कुलहुम जो सलामती सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर, उस पर गुप्त शनीद होगी। लेकिन कुछ दौरे जिसमें दाखिला वजीर का दौरा भी मुमकिन है, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का दौरा भी जम्मू कश्मीर का मुमकिन है, और इस हवाले से क्या कुछ तैयारियां होंगी, उस पर भी क्या गुप्त शनीद होगी, क्या ये एजेंडे का हिस्सा होगा, और कहीं इलेक्शंस आगे तो नहीं है, उस हवाले से प्रिपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा तो नहीं लिया जा रहा है, इस ये जानने के लिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौहर से, जो हमें दिल्ली से अभी अपडेट कर रही हैं। गौहर, आज 4 बजे ये मीटिंग मुतवक्का थी, क्या कुछ अपडेट है इस मीटिंग के हवाले से, और एजेंडा क्या आज तय किया गया है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सिक्योरिटी अधिकारी, और दिल्ली से भी इसमें बड़े अफसरान या बड़े सरबराहान इसमें शरीक हो रहे हैं। बिल्कुल हिलाल, थोड़ी देर पहले यह मीटिंग यहाँ साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक के अंदर शुरू हुई है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, डायरेक्टर जनरल पुलिस और इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स और दीगर लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे थे जम्मू कश्मीर को, वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और इस मीटिंग को पिछले कई दिनों से क्लोजली ट्रैक किया जा रहा था, क्योंकि शेड्यूल्ड मीटिंग थी ये, और इस मीटिंग के अंदर जहाँ पहले लद्दाख को लेकर डिस्कशंस हुई हैं, और अब थोड़ी देर पहले अब जम्मू कश्मीर के मामलों पर डिस्कशंस का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जहाँ हम इस साल को देखेंगे अपने आखिरी पड़ाव पर है, और इस आखिरी पड़ाव के दौरान जहां पर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है, आने वाले दिनों में बजट एलोकेशंस पर गुफ्तगु होनी है, जो कि पार्लियामेंट का बजट इजलास होने है, उस पर भी एक गुफ्तगु आज की मीटिंग में होनी है कि हमने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हाथ में लेना है, आने वाले साल में क्या कुछ ऐसा होगा जिसे हम बड़े पैमाने पर लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एक तो यह डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर यह बातें हैं, दूसरा यह कि सिक्योरिटी रिव्यू भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2023 में हमने टारगेट के लिंक्स को देखा था, और 2024 में हम देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके सिचुएशन जो है वो इलेक्शंस की ओर जा रही है 23-24 के दौरान, तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, किसी तरीके की कोई कार्रवाई ना हो, उस पर भी एक रिव्यू जो है वो इंटरनल मैटर्स पर लिया जाएगा, क्योंकि पहले भी श्रीनगर के अंदर इस तरीके का इजलास हुआ था, और आज दिल्ली के अंदर जहां दाखिला वजीर साहब यह मीटिंग कर रहे हैं, तो इसमें इस पार्ट को भी लिया जा रहा है जो हमें सोर्सेस की तरफ से बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शंस, क्या स्टेट इलेक्शंस की ओर चल रहा है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगले साल में हम देख रहे हैं कि जनवरी का महीना फुल प्रोफाइल अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ रही है, जेपी नड्डा साहब और दीगर लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, फिर फरवरी का महीना होगा तो खुद दाखिला वजीर साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, और मार्च आते आते एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का टूर होगा जी, एंटायर जम्मू कश्मीर का, जम्मू में एक जलसा होगा, कश्मीर में एक जलसा होगा,
होगा और तकरीबन एक दर्जन के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका फाउंडेशन रखा जाएगा, जिनको इनॉग्रेट किया जाएगा कुल मिलाकर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज रिव्यू में ली जाएंगी, क्या हो रहा है, कितना काम और करने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में अगर पंचायत और म्युनिसिपल कमेटियों के चुनाव होते हैं, चूँकि ड्यू है 2023 में चुनाव अप्रैल मई के बाद, तो उस भी तैयार है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, चूँकि ऑलरेडी पंचायतों को लेकर हमने देखा था कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने गियर अप कर लिया था पंचायती रोलों को अपडेट करने के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही है। तो अब देखना होगा कि थोड़ी देर में जब ये मीटिंग कंक्लूड होती है तो क्या ऑफिशियल नोट वजारत दाखिला की तरफ से जारी किया जाएगा या स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई वर्ड रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हाई प्रोफाइल मीटिंग और कई बड़े फैसले जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर पूरी जानकारी देने के लिए। और मुमकिन तौर पर जो आज इस मीटिंग का एजेंडा है वो गौहर ने तफसीलन बताया है, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि क्यों ऑफिशियल नोट दाखिला वजारत की जानिब से क्या वो जारी किया जाएगा, नहीं किया जाएगा और किन चीजों की निशानदेही की जाएगी। लेकिन कुलहम तौर पर कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी होने जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि दाखिला वजीर और उसके साथ साथ वजीर आजम और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जो जेपी नड्डा साहब, उनका दौरा मुतवक्का है जम्मू कश्मीर का। तो उससे कबल जो प्रिपरेशन करनी है या इलेक्शंस जो आने वाले साल के अंदर होने हैं, तो उससे कबल ये सारी तैयारियां इस मीटिंग का महव मरकज जो है वो तस्वुर की जा रही है। और इसके अलावा इस मीटिंग के अंदर जम्मू कश्मीर की जो कुलहम सिक्योरिटी सूरत हाल है, क्योंकि इंतहाई हसास मामला है, तो इस पर वक्तन फोक्तन दाखिला वजारत की जानिब से रिव्यू लिया जाता है। दाखिला वजारत की जनब से जम्मू कश्मीर की कुलहम सिक्योरिटी सूरत हाल का, सलामती सूरत हाल का जायजा तो लिया जा रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर आज फौज के साथ एक झड़प में चार मिलिटेंट मारे जाते हैं। आपको बता चले कि कश्मीर के अंदर अक्सर इस तरह की कार्रवाइयां या मिलिटेंट्स की आवाजाही या मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर्स का जो सिलसिला है वो वक्तन फोक्तन देखा जा रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर जो जम्मू की सरजमीन है वो उसे पीसफुल तसव्वुर किया जाता है, लेकिन आज जम्मू के अंदर भी एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में चार आदमी शनाख्तशुदा जो लाशें हैं वो बरामद की गई हैं। और इस हवाले से फौज का दावा है कि इन मिलिटेंटों के कब्जे से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल और दीगर सामान भी बरामद किया जा चुका है। बताया जाता है कि मिलिटेंट एक ट्रक में सवार थे, हालांकि फौज ने इस बात की तस्दीक भी की है कि इस ट्रक को जब रुकने का इशारा किया गया तो ट्रक के अंदर मौजूद मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिस दौरान फौज ने भी या मौजूद जो वहां पर फोर्सेस थे उन्होंने भी यहां पर जो कि ज्वाइंट नागा पार्टी थी उन्होंने भी रिटायलेट किया और इस रिटायलेशन में चार मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। खबर यह भी है कि ड्राइवर, हालांकि इसकी फौज ने तस्दीक भी की है कि ड्राइवर अभी भी फरार हो गया, कि जो ट्रक थी जो जम्मू से श्रीनगर आ रही थी, इस ट्रक का ड्राइवर इस दौरान फरार हो गया और उसकी आखिरी इतला मिलने तक कोई शनाख्त भी नहीं हो पाई थी। और अभी चूंकि फौज के जिम्मेदारों से कहा गया है कि क्या ये मिलिटेंट सरहद पार से दरअंदाजी करके आए थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि चूंकि ऑपरेशन अभी इख्तिताम पजीर हुआ है और अभी तक ये मालूम नहीं हो चला है कि आया ये मिलिटेंट दरअंदाजी करने के बाद आप इस सरजमीन पर आए थे या पहले से ही मौजूद थे। बहरहाल सिक्योरिटी एजेंसीज, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, CRPF और दीगर जो एजेंसीज हैं वो आपसे तालमेल बना रहे हैं और माना जा रहा है कि इस वाकये के हवाले से, इस एनकाउंटर के हवाले से जो कुछ भी लीड्स हैं और जो कुछ भी जो है इस हवाले से इतलात हैं उसको परखा और जांचा जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये मिलिटेंट बाहर से आए थे, ये आज ही आए थे या पहले से ही यहां पर मौजूद थे। आर्मी एंड पुलिस heavy volume of fire was opened on us and we retaliated. The driver in the meanwhile ran away. Search of the driver is going on. In the operation 4 dead bodies have been recovered, so 4 terrorists have been killed, 7 AK-47s, 1 M4 rifle, that means 8
big weapons and three pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. Details of the group, because we are not aware of the group, we are still investigating. Whether they came from the border or not is a matter which is to be investigated. The only thing we can tell you is that the truck was going from Jammu towards Srinagar side. You think that on New Year or 26 January they were planning something very bigger like Pulwama? If you remember, about a week, 10 days back, some weapons were recovered in Narwal area, which had put us on alert. Both army, police, CRPF, all of us together were on high alert on the run-up to 26 January function. And generally, the border grid had been strengthened. The camps have been made more secure. And we were on high alert, and that is how we have been able to prevent this action. चले नाज़रीन, ये तो सिदरा के वाक़ा के हवाले से तफसीलात दे रहे थे, और अब चूंकि सिदरा के अंदर आज एनकाउंटर हुआ तो उस पर महबूब मुफ्ती का भी रिएक्शन आया। महबूब मुफ्ती ने कहा कि सरकार दावे करते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर से मिलिटेंसी खत्म हो गई है, अब कश्मीर को छोड़कर जम्मू के अंदर भी मिलिटेंट्स दस्तक दे रहे हैं। और इस हवाले से पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने जब मीडिया के नुमाइंदों से बात की तो उन्होंने कहा कि जम्मू के सिदरा में मिलिटेंसी की मौजूदगी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, और उन्होंने कहा कि यह वही सरकार है जो कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म करने की बात करती रहती है जबकि मिलिटेंट अब जम्मू में सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि कोविड और मिलिटेंसी का बहाना करके भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश भी की जा सकती है, यह महबूब मुफ्ती कहती है। महबूब मुफ्ती ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो की आवाज उठाई है, इस शख्स ने यह आवाज जो कम्युनल फोर्सेस हैं मुल्क को तकसीम करने वाले ताकतों के खिलाफ, सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ और जमहूरी निजाम को खत्म करने वालों के खिलाफ उठाई है, और सेक्युलरिज्म को खत्म करने की इस कोशिश में जम्मू व कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये महबूबा मुफ्ती कहती है। सरकार दावा करती है हमने जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म की, तो आज जम्मू में भी मिलिटेंसी हो रही है, तो इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। अब वो तो दूसरी बात है, कोविड का बहाना करके, मिलिटेंसी का बहाना करके हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा को ये रुकावट पैदा करनी पड़े, पर सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि ये मिलिटेंसी जम्मू तक भी फैली है, ये मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए। देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक ऐसा शख्स इस वक्त खड़ा हो रहा है जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरी निजाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। और जम्मू कश्मीर चूंकि सबसे ज्यादा जमहूरियत में, सबसे ज्यादा जो है सेक्युलरिज्म में यकीन रखता है, क्योंकि जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे, तो उस वक्त कश्मीर वाहिद एक जगह थी जहां पर यहां के कश्मीरी पंडित हो, यहां के सिख हो, यहां के डोगरा हो, उनको यहां के कश्मीरियों ने उनकी हिफाजत की, उन पे आंच नहीं आने दी। तो तभी गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से एक रोशनी की किरण नजर आ रही। तो अब जब मुल्क में सेक्युलरिज्म खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती यहीं पर नहीं रुकी है, बल्कि उन्होंने कहा कि जमहूरी निजाम को बिल्कुल सस्पेंड किया गया है। जम्मू कश्मीर का वो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अवाम के बुनियादी हकूक, इजहार राय पर भी जैसे पाबंदी आयद है, बात करने वालों को मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशराइज किया जाता है, चाहे उसमें मीडिया हो या सियासतदान हो, ये महबूब मुफ्ती कहती है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया दरअसल कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हलाकतों को मजहब के साथ ना जोड़ा जाए, तो उस पर महबूब मुफ्ती ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये बात बहुत अच्छी है, ताहम उन्हें ये सबक भारतीय जनता पार्टी के लीडरान को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के मामले को सबसे ज्यादा भाजपा मजहबी रंग देती आई है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कश्मीरी पंडितों को लेकर फिल्म भी बनवाई गई और जगह जगह पर इस फिल्म को दिखाया भी जा रहा है, और कई एक स्टेट्स के अंदर इसे मुफ्त भी चलाया गया है।
जिससे कश्मीरी मुस्लिम और पंटू के दरमियान दूरियां बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन बेहतर था कि उन्हें ये सबक बीजेपी को पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ जो जमहूरी निज़ाम है, जो डेमोक्रेसी है, उसको तो बिल्कुल सस्पेंड किया गया है। जो लोगों के राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो कोई भी बात करता है किसी को भी पकड़ के ले जाते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे आम आदमी हो, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी हर तरह से जो है कोशिश की जाती है, उनको प्रेशराइज किया जाता है ईडी के जरिए, दूसरी एजेंसीज के जरिए, उनको जो है जो वो कर सकते हैं अपना रोल, उस रोल करने में उनको दिक्कतें हो रही हैं। महबूबा जी, कल हम तो कहते हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसको क्रिमिनलाइज करती है कश्मीरी पंडितों की जो किलिंग्स है, अनफॉर्चुनेट किलिंग्स है, वो बीजेपी की सरकार है। उन्होंने ही उसके ऊपर फिल्म बनवाई और जगह जगह उस फिल्म को दिखा रहे हैं, जिससे कश्मीरी जो मुस्लिम और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बीच में ज्यादा से ज्यादा नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये तो अच्छी बात है जो कही, मगर उनको मुझे लगता है बीजेपी को ये लेसन देना चाहिए। जम्मू के सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर आज आग नमूदार हुई है, और इस आग ने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरपर्सन का जो दफ्तर है, वाइस चेयरपर्सन का दफ्तर है, उससे मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। आग बुझाने वाले अमले को फौरन तलब किया गया और उसके बाद आग को मजीद फैलने से बचाया गया। आपको बताते चले कि जब सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू के अंदर यह आग नमूदार हुई तो उससे सेक्रेटेरिएट के अंदर या सेक्रेटेरिएट के कामकाज में काफी खलबली मच गई है। ताहम यहां फौरन से पेशतर जो फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से बचाया है। ताहम इतलात हैं कि इस आग के दौरान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन का दफ्तर नजरआतश हुआ, और इतलात यह भी हैं कि कई सारे दस्तावेजात को शायद नुकसान भी पहुंच गया है। आग लगने के वजूहात आखिरी इतलात मिलने तक मालूम न हो सके। नाज़रीन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम और फिर हम में कांग्रेस पार्टी कहते हैं, आज ये पार्टी अपना 158वां योम तासीस मना रही है, और इस हवाले से मुल्क भर में तकरीबात मुनक़द हुई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से छोटी बड़ी तकरीबात का इनेकाद किया गया है, और इस दिन की नस्बत से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन वकार रसूल वानी, उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और उन्होंने कांग्रेस के 158वें योम तासीस को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को आज़ादी दिलाई, तरक्की दी है, एसेट्स बनवाए हैं, रोजगार दिया है लोगों को। कांग्रेस ने मौजूदा हिंदुस्तान को फौजी और इक्तिसादी तौर पर 99% कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने कहा कि आज के डेट में जो एसेट्स मुल्क के अंदर है, ये कांग्रेस के वज़राए आज़म की देन है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका फाउंडेशन डे है। आज ही के दिन 1885 में इस पार्टी की संगे बुनियाद रखी गई मुंबई के अंदर, जहां 72 लोगों ने इस पार्टी को बनाया, और आज करीब करीब 138 साल हो गए इस पार्टी को। और इसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, इस देश के लिए जो आज़ादी की जंग थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो लड़ी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कुर्बानियां दी, कांग्रेस पार्टी के लोग शहीद हुए, जेलों में गए, और 1947 में कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान के लोगों ने जो मेहनत की वो रंग लाई, और अंग्रेजों ने इस देश को छोड़ा, हमें आज़ादी मिली। आप देखेंगे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो इस मुल्क में क्या तरक्की थी, गरीबी कितनी थी, डेवलपमेंट कितनी थी, इंस्टीट्यूशंस कितने थे। तो ये सारा जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सड़कें बनी हैं,
एम्स जगह जगह बने हैं, यूनिवर्सिटियां जगह जगह खुली हैं, पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स बने हैं, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर। कांग्रेस का 138वां फाउंडेशन डे था, ये 138वां योम तासीस था, गलती से हमने इससे 158वां कहा, जबकि असल में ये 138वां है। अगली खबर में बात करते हैं चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के, जो कि 500 बेडेड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बेमिना के अंदर हाल ही में बनाया गया। हालांकि इस हॉस्पिटल के अंदर मरीजों का कहना है या उनके अटेंडेंट्स का कहना है कि यहां तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो जदीद नबियत की हैं और यहां पर इलाज मुआवजा भी अच्छा हो रहा है, लेकिन उनकी कुछ शिकायतें हैं जिससे वो इंतजाम के जरिए दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहां मरीजों और अटेंडेंट्स का कहना है कि यहां हर तरह की सहूलियत दस्तियाब है, लेकिन जो दवाई पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है उसे लाने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहां अस्पताल के बाहर कोई मेडिकल शॉप नहीं है, यानी कोई फार्मेसी यहां पर नहीं है, जिसकी वजह से छोटी सी छोटी दवाई भी क्यों ना हो या कीमती से कीमती या बड़ी से बड़ी कोई दवाई भी क्यों ना हो तो 2-3 किलोमीटर दूर आपने जाना पड़ता है और तब जाकर आप ये दवाई हासिल कर पाते हैं। नंबर एक, नंबर दो, इनका कहना है, आप खुद भी देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे इनको ये शाहरा क्रॉस करना पड़ता है, ये हाईवे है और हाईवे पर लोडेड गाड़ियां भी चलती हैं, माल बरदार गाड़ियां भी चलती हैं, मुसाफिर बरदार गाड़ियां भी, छोटी बड़ी गाड़ियां भी चलती रहती हैं और बड़ी तेज रफ्तारी से चलती हैं, लेकिन यहां जब वो इस सड़क को क्रॉस करते हैं तो इन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, खौफ हो जाता है, और अगर ये इमरजेंसी हासिल करनी होगी और उसके बाद इस शहरा से गुजरना होगा तो कहीं जो गोल्डन आवर होता है वो चला ना जाए, तो इस वजह से लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ ओवरहेडेड ब्रिज बनना चाहिए ताकि इस हाईवे को क्रॉस करने में पेशेंट्स को, बच्चों को, क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल है, उन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तीसरा, यहाँ पर कार पार्किंग भी नहीं है, हालांकि जब भी कोई अपने बच्चे को लेकर आता है तो वो बेशतर लोग गाड़ियों में आते हैं, लेकिन गाड़ी रखेंगे कहाँ, उसके लिए कोई पार्किंग स्लॉट नहीं है, ये मकामी यहाँ पर जो आ रहे पेशेंट्स हैं वो कहते हैं। बोर्ड प्रॉब्लम है इस तो वो रोड वाइडनिंग है यहाँ कट कहीं मसल दरवाजस नश गेटस नश गाड़ी पे 20 मिनट सफर करें टर्न करें लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पत अगर एंट्रेंस हस्पताल मन यह सारी खुद बड़ प्रॉब्लम अगर एम्बुलेंस मन एमरजेंसी केस ये ना लेफ्ट साइड तेमिस लगन दरवाजस नश अंदर अचन खुद टर्न करने खुद 20 मिनट इस कल पेशेंट खतर मरन सारी खुद बड़ ब्याह फैसलिटी ब्याह प्रॉब्लम है ये दवा खुद पे इंसान गाड़ पे तेमिस अगर एमरजेंसी है तेमिस बिचार गाड़ कड़ी ये कुन तरीक अच्छा दवा दवच फैसलिटी टोटली कहें बाकी ऑल ओवर ठीक अच्छे फैसलिटी ठीक मगर यम मेजर प्रॉब्लम है सारी खुद बजे प्रॉब्लम सारी खुद बड़ बार प्रॉब्लम सारी ब्या बड़ प्रॉब्लम है कि सारे गाड़ सारे बाइक आयन बिचारे पे रोडस क्रॉस कर रोड सू रोड अल्लाह ताला बचे अगर ये बुजुर्ग या कहना थोड़ा बहुत दमगी आमाग मे सोचस मं तेज हस्पताल मन आम तौर अटेंडेंट सू सत तेमान दमाग करा काम कहें तेज यह हस्पताल सह हस्पताल यहां सारे खुद बोड दौद सू गो बच्चे सुंद दौद आस मालिस माजि तेमान दमाग करा इस्तेमाल काम कहें तम से बिचारस योडस कर क्रॉस सू तेम खुद मलक मौत सबब अल्लाह ताला बचेन ये एक्सीडेंट मालिस माजि कंसिंदिस गि वजह आ रोड फ्लो यथ ट्रैफिक फ्लो तूत यु तुत इंतजाम कहें सब मोल मोज या कह बो हथ क्रॉस कर आराम सान सारी खुद बड़ अपील या गोस ये ब्रिजस बनाने इत हूत जे वी सी हस्पताल बन दम चीज अगर एमरजेंसी केसेस एम्बुलेंस अपोजिट साइड तेमिस गोस नु पेन 1 किलोमीटर पत मोड कर ये कट यून कर तुत इंतजाम बनान बुथ गाड़ वाल स्पीड ग कम ताकि ये एम्बुलेंस हे क्रॉस कर पैदल पकन पकवन वो आमिस हस्पताल मे क्रॉस कर। नज़र, ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग पार्ट है और इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इस बड़े से बड़े हॉस्पिटल को यहाँ पर बनाया गया, न जाने इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई है, ये हमारे समझ से भी बाहर है। बहरहाल, हमने हुकाम तक ये मामला उठाया, उम्मीद करते हैं कि उन तक ये बात पहुँच गई होगी। बहरहाल, इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजरी को आज का ये स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।